दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आई यू आर एब्सोल्युटली फाइन। तो अभी मैं जा रहा हूँ वैक्सीनेशन के लिए, जो मेरा अभी चांदखेड़ा में है, और पूरी केयरफुली मैं जा रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि वैक्सीन लेते हुए टाइम भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है, केयरफुली जाना पड़ता है। तो अभी मैं रिंग रोड पर पहुँचा हूँ, थोड़ा पेट्रोल डलवा के फिर आगे जाता हूँ वैक्सीनेशन पे, और वहाँ पे दिखाता हूँ क्या प्रोसेस है जो पॉसिबल हुआ। तो चलो आगे। हम लोग अगर रसीकरण में टाइम ऊपर के गम्मे ते चालू छे 44-60 वाला 9-12 आज 12 वाजा जे 1000 की चीज है 44 પછી એમનું ચાલુ જે 18 થી 44 છે 12 વાગ્યા પછી અતર ઓલામને નહીં સારું થેન્ક યુ કાકા परमा रमेश यस 92 લાઈન પછી તેલા થઈ જજો વેક્સિન લઈ ઓકે ઓકે નામ ને બધું આધાર કાર્ડ ઓકે મોબાઈલ ચાલે ખાલી એડ્રેસ જોઈએ
पति हाँ करा दे આ જમીન એક લઈ લેવાની ને એક સાંજે સાંજે તો તાવ આવવાનો જ છે ડોલો છે કે ઈસીએમ છે કાલનો દિવસ થોડી તકલીફ રહેવાની અત્યારે ખાઈને એક તરત લઈ લેવાની હા ને કેટલી વાર બેસવાની 5-10 મિનિટ હોસ્પિટલ સેન્ટ્રલ ચાંદખેડા वैक्सीनेशन होने के बाद आपको 20-25 मिनट आपको बिठाते हैं ऑब्जर्वेशन के लिए कि आपको वैक्सीन की कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रही है ना। ऐसा कुछ ज़्यादा लगा नहीं वैक्सीनेशन में। मैं अभी थोड़ी देर इधर बैठता हूँ, अभी वैक्सीन तो ले ली है और बस ऐसे ही है पूरी प्रोसेस, कैसे क्या लेते हैं सब ऐसे ही प्रोसेस है। आपकी एंट्री होती है, ऑनलाइन बुकिंग होता है, एंट्री होती है, आपको वैक्सीन दी जाती है और उसके बाद आपका ऑब्जर्वेशन किया जाता है। वही है देखो, कोरोना मोबाइल टेस्टिंग वन, बढ़िया है सेंटर। तो ऐसे वैक्सीन ले लिया है अभी, आई थिंक 84 डे के बाद दूसरा वैक्सीन आएगा तब ले लेंगे। अभी मैंने कोविशील्ड लिया है तो इतना ज़्यादा है नहीं, 2 गोलियाँ दी मुझे तो खाने के लिए। तो बस चलो वीडियो को यहीं एंड करते हैं और आप भी सब अपनी हेल्थ का ध्यान रखो और वैक्सीन ले लें। धन्यवाद, शुभ दिन।